हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। और गेट एकेडमी में हम लोग का कॉम्बैट राउंड चल रहा था। अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉम्बैट आने स्टार्ट हो चुके हैं, कॉम्पिटिटिव माहौल बन चुका है। और बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में आगे के पार्ट की। तो लीनियर अलजेब्रा मैंने देखा था, प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए थे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी बेसिक की बात करूंगा। आने वाले टाइम पे नेक्स्ट मंथ की अगर हम लोग बात कर ले, आफ्टर दीपावली, तो दीपावली में जब दीपों का प्रज्वलन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें बात कर लूंगा टफ क्वेश्चंस की। टफ क्वेश्चन इन द सेंस, देखिए टफ क्वेश्चन कुछ होता नहीं बेसिकली, टफ इन द सेंस व्हाट, कि जिसमें ज्यादा ही सोचना पड़ेगा, कुछ लगेगा यार इसमें क्या करें, अप्रोच लगानी पड़ेगी, या आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा सा बोलना चाहिए क्या, एक अपर लेवल क्वेश्चन होगा। फिलहाल हम नॉर्मल लेवल की बात करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी ब्रांचेस की मैं बात कर लूँ, स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल ब्रांच की, सिविल ब्रांच की, मैं बात करूं अगर केमिकल ब्रांच की, तो इन सब ब्रांचेस में हम लोग को ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है ऑर्डर डिग्री वाला पार्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, जस्ट देखना होता है और बताना होता है कि भैया इसका ऑर्डर क्या है, इसका डिग्री क्या। क्वेश्चन में अलग अलग तरीकों से हमारे पास क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। मैं आपके पास बेसिक टू क्वेश्चन लाया हूँ ऑर्डर और डिग्री के लिए। आप कमेंट पर डालने वाले ओ इज इक्वल टू इतना, डी इज इक्वल टू इतना, लाइक ऑर्डर इज इक्वल टू 4, डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहले ऑर्डर और डिग्री के लिए मैं दो एग्जांपल्स जो लिखा है मैंने, एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास dy/dx, फर्स्ट हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस कॉस एक्स। ऑर्डर डिग्री के साथ साथ मैं आपके पास बात करनी है आपको लीनियर और नॉन लीनियर की। ऑर्डर और डिग्री आपको सॉल्व नहीं करना भैया, ऑर्डर और डिग्री के साथ आपको बात करनी है लीनियर या नॉन लीनियर की, ऑर्डर और डिग्री के साथ लीनियर या नॉन लीनियर, तो ये बात करनी है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज y" (y²) + e^y′ = 0। सो वी हैव टू क्वेश्चंस लाइक दिस। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भैया ऑर्डर और डिग्री क्या, आपके दिमाग में अगर हो कि ऑर्डर और डिग्री क्या, तो ऑर्डर और डिग्री क्या में आप अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही, इन द केस अगर आपके पास पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, क्वेश्चन यहां से आना फ्रेम करना तय है। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कभी कभी, ऐसा भी हुआ है कि 2 मार्क के क्वेश्चन भी दे दिया ऑर्डर डिग्री में। ऑर्डर डिग्री के साथ देखिए कंबाइन करते हैं, ऑर्डर डिग्री सेपरेट पार्ट, लीनियर नॉन लीनियर सेपरेट पार्ट, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। तो ये हमारे पास 6 पैरामीटर, 6 टर्म्स हैं, ऑर्डर डिग्री, लीनियर नॉन लीनियर, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, 6। इनमें से कुछ आपके पास आने वाला कंफर्म है। तो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं फोकस, इसके बाद जब मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, सॉल्यूशन में हम सीधे सीधे बात कर लेंगे चारों के बारे में, 6 के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। पहले अपन देखते हैं क्या, तो dy/dx माइनस कॉस एक्स हमारे पास था, क्वेश्चन आपने लिख लिया। ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन कर लेते हैं, सबसे पहले लीनियर और नॉन लीनियर को भी समझ ले। आपके पास जो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल है भैया, उसके बारे में आप समझिए, बात करिए। तो यहां पर जैसे मेरे पास एक फंक्शन है y = f(x), तो ये मेरे पास कहलाता है क्या, इनडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये मेरे पास क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बारे में तो सबको पता है यार, क्लास 11th में यहां से स्टार्ट हुआ था, है ना, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन। तो ये फंक्शन आपके पास है, ठीक है, 11th में आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 यही सब था, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं कि भैया फंक्शन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पता चल गया, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर कुछ भी होगा चलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, डिपेंडेंट और उसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होगा उसका भी पावर 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन है लीनियर के लिए, अगर इन कंडीशंस को कोई फॉलो नहीं करेगा तो वो कहलाएगा नॉन लीनियर। क्वेश्चन है मेरा, इसमें ऑर्डर डिग्री आपको बताना है और लीनियर और नॉन लीनियर है या नहीं वो आपको बताना है, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री की बात कर ले, आप लीनियर और नॉन लीनियर वापस जाके आराम सुनेगा, हो सकता है मैंने फास्ट बोला आपको दोबारा सुनने की नीड होगी, यार ये तो कोई क्लासरूम है नहीं कि आपको अगर मैं रिपीट कर रहा हूं तो आप फिर से मेरे को बोलना पड़ेगा, आप फिर से जाके वीडियो पे देखिएगा। बात करते हैं ऑर्डर, बात करते हैं डिग्री। ऑर्डर, ऑर्डर दैट मीन्स व्हाट, कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंस, एकदम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में ऑर्डर दैट मीन्स कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, डिग्री दैट मीन्स जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ उसका पावर क्या है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप नोट करना चाहेंगे वो ये कि ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब फ्रैक्शन वैक्शन कुछ नहीं होगा, ऑर्डर और डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब अगर फ्रैक्शन हुआ, इसका मतलब अगर रेडिकल हुआ, इसका मतलब अगर फंक्शनल साइन हुआ, इसका मतलब क्या कि आपको अल्टीमेटली इन सारे चीजों को रिमूव करना है। आप नोट कर सकते हैं, इसका मतलब ये कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसका एक पॉलीनोमियल के जैसा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा,
उस पॉलिनोमियल को देखकर आप बता पाएंगे ऑर्डर क्या, डिग्री क्या। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा इत्मीनान के साथ, और अगले बार हम नए क्वेश्चन के साथ अवेलेबल होंगे। अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से टॉपिक पर ही कॉम्बैट देने वाला हूँ, क्वेश्चन में आप दिमाग लगाइएगा, अभी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन में कॉम्बैट दूंगा एग्जैक्टली वही आपके गेट के एग्जाम में दिखने वाला है। थैंक यू सो मच।